डोंगरगढ़ सहारा ऑफिस में आज निवेशकों ने धावा बोला है। पिछले कुछ वर्षों से कंपनी के द्वारा पैसे वापस नहीं करने के चलते निवेशक परेशान होते नजर आ रहे हैं। ऑफिस में कोई भी जिम्मेदारी से जवाब नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से आक्रोश बढ़ता चला जा रहा है। सहारा इंडिया परिवार शाखा डोंगरगढ़ छुरिया राजनंदा गांव के द्वारा अपने सम्मानित ग्राहकों का विगत 2 साल से भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से निवेशक द्वारा एजेंट पर भी दबाव बनाया जा रहा है। उनके ऊपर दबाव के चलते एजेंटों ने आज निवेशकों के साथ मिलकर सहारा ऑफिस में आंदोलन कर दिया। अपने ग्राहक को लेकर डोंगरगढ़ शाखा में निवेशकों को लेकर मैनेजर के पास गए तो भुगतान के लिए मना कर दिया गया। जी हाँ, आपको बता दें, यह भुगतान नहीं हो पाएगा, उनकी तरफ से ऐसा जवाब आया। सहारा अपने निवेशकों का पैसा समय पर भुगतान नहीं कर पा रही है, जिससे परेशान होकर सहारा के कार्यकर्ता व निवेशक आत्महत्या करने पर भी मजबूर हो रहे हैं। सहारा के लगभग 14 लाख कार्यकर्ताओं के सामने बेरोजगारी की समस्या एवं भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो रही है। बिल्कुल सत्य है कि वर्तमान स्थिति पे वहाँ पे कोई मतलब आवागमन की मजबूत सुविधा नहीं है। इसके पूर्व छोटी मोटी मरम्मत या छोटी मोटी आवश्यकताओं को पंचायत द्वारा करवाया जा रहा है, लेकिन कोई स्थायी हल उसका नहीं है। पानी आता है, बह जाता है। इसके लिए प्रस्ताव तैयार करवा के अपन जिला कलेक्टर सर को प्रेषित करेंगे ताकि वो रोड का निर्माण करवाया जा सके। जी, क्या मानते हैं कितनी समस्याएं होती होंगी वहाँ के ग्रामीणों को, क्या लगता है आपको? समस्याएं तो बरसात में स्वाभाविक ही होगा ही होगा, अगर रोड की स्थिति इस प्रकार की है तो। डाइवर्टेड मार्ग से लोग सीतापुर पहुँचते हैं, लेकिन वो उचित नहीं है। जो हमारा दायित्व तो बनता है, हम इसको जिला शासन को, जिला स्तर के जिला प्रशासन को अवगत कराएं और प्रस्ताव बनवा के मैं बहुत अतिशीघ्र, पहले भी जा चुकी है, दोबारा मैं फिर प्रस्ताव बनवा के गंभीरतापूर्वक इसको जिला कार्यालय को भेजूंगा और पहल करूंगा कि रोड किसी मत से स्वीकृति हो ताकि वहाँ की जनता को लाभ। जी बताइए। दाई के पैसा 10,000 रुपया 2017 में 1.5 साल के लिए जमा हुई थी, से जो मार्च में कंप्लीट हो गए हैं और अभी आज अगस्त महीना में भुगतान ले पर आए हैं, लेकिन आज भी साहब बोलते हैं कि अभी 6 से 8 महीने और समय लगे, मैं भुगतान नहीं कर पा रहा। अगर भुगतान लेना ही है तो आगे ऊपर ऑफिस में जाओ बोलते हैं। वही चीज़ आज हम सब मिल करके भैया के सहयोग से उसी का निराकरण चाह रहे हैं। जब भाई ऊपर आप भेजते हो तो आप यहाँ क्यों बैठे हो? आप अपने अधिकारी से आप बात करिए और वो हमको बुलाइए, उनको बुलाइए। आपका नाम? नरोत्तम साहू। बताइए, सहारा में आपको क्या दिक्कत हो रही है? सहारा में मेरा पैसा जमा हो चुका है, मेरा डेट पूरा हो चुका है, मेरे को पैसा चाहिए। कितना पैसा जमा था? 5,05,000। और मेरा पैसा 5,10,97,000 हुआ है और मेरे को नहीं मिला। आज के डेट में यही फांसी लगूँगा 112 ब्लॉक के। ऊपर अधिकारियों का क्या कहना है? वो लोग जाने, मेरे को क्या करना है, तो सूर्य ताला लगा दिया, यहाँ भी ताला लगा दिया, वो जाने उसी काम जाने, यही फांसी लग दूंगा। आपका नाम? सदानंद सिन्हा। मैं माननीय प्रशासनिक अधिकारी जिला कलेक्टर महोदय, जिला एसपी महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूँ इस आपके चैनल के माध्यम से कि सहारा ऑफिस में आकर के जो धांधलियाँ हो रही है उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई करके छानबीन करके देखा जाए कि यहाँ क्या काम हो रहा है। आपको मैं बताना चाहूँगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कमिश्नर साहब से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि यहाँ पूरी धांधली हो रही है, यहाँ तक कि अगर आपके पास 10 लाख रुपए कैश है ले आइए, सहारा ऑफिस में आपका जमा हो जाएगा बिना पैन कार्ड के, बिना टीडीएस काटे। 10 लाख का नोट ले आइए, कैश जमा हो जाएगा इस ऑफिस में। ये पूरा धांधली चल रहा है, मैं इनकम टैक्स कमिश्नर से निवेदन करना चाहूँगा कि आप आके यहाँ छानबीन करें, सहारा ऑफिस में पूरा धांधली हो रहा है। दाई, कतिक साल हो गए पैसा जमा करे? उमर का थी क्या? आपका नाम और पद बता। जो भी है वो तो अपने संभाली जमा करता और कार्यकर्ता ही, अतिरिक्त आदमी तो कोई है नहीं यहाँ। आपका नाम और पद? मेरा नाम है विलास नारायण। किस पद पे? सेक्टर मैनेजर मैं यहाँ पे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।